हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ डेनवाल। सो इन नाइन्थ क्लास वी वर डिस्कसिंग अवर चैप्टर नंबर 4 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एंड वी ऑलरेडी सोल्व 3 एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड और ओनली 1 एक्सरसाइज रिमेनिंग दैट नाउ आई एम गोइंग टू सोल्व दिस एक्सरसाइज। एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो वेरी ईजी एक्सरसाइज। बच्चों जस्ट प्लीज होल्ड फॉर सेकेंड, लेट मी क्लोज द डोर बिकॉज फोकस इज कमिंग ऑन द बोर्ड फ्रॉम द गेट। जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड। यस बच्चों, वेलकम बैक। क्या है कि वो गेट्स को बंद करना भूल गए थे तो उसका फोकस आ रहा था बोर्ड पे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमने इस चैप्टर में आपकी 3 एक्सरसाइज ऑलरेडी सोल्व कर ली है। अब मैं देखता हूँ आपकी 4th एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। बच्चों 4th वाली एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, वो है इक्वेशन ऑफ लाइंस। बच्चों 4th एक्सरसाइज में एक टॉपिक बच रहा है आपका, वो है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बच्चों क्या फाइंड करना है हमें, जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और जो लाइंस वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उनकी इक्वेशन बच्चों क्या होगी, वो हमें ध्यान देना है। जैसे बच्चों अगर किसी इक्वेशन का है वैल्यू दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 2, जैसे हम एग्जाम्पल 8 करना चाह रहे हैं बच्चों, तो देखो एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 2 हमें प्लॉट करना है। तो क्लियर है ध्यान बच्चों। तो देखिए बच्चों, देखिए इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे y नहीं है। आप चाहें तो y को यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे सर? देखो आपको बताया पहले भी x के साथ 1 है, जब y नहीं है इट मीन्स b आपका 0 रहा होगा, दैट इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? आप चाहें तो यहाँ -2 भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मैं कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ, बोर्ड पे देखिए बच्चों बहुत केयरफुली, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। देखिए सपोज कीजिए एक्स का वैल्यू बच्चों यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इधर 1, 2, 3, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, बट माइनस आएगा इधर 1, 2, 3, 3, 2, 1। बच्चों ध्यान दीजिए इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स की वैल्यू 2 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों 2, और वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है सर, y है ही नहीं, इट मीन्स b की वजह से y 0 रहा होगा। इसका मतलब हमारा कोऑर्डिनेट तो यही आएगा बच्चों 2, 0। अब आपको भी पता है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका हमेशा क्या बनेगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये हमेशा ध्यान दो, जो इसका ग्राफ आएगा ना बच्चों वो ऐसा आएगा, 2, 0 है यहाँ पे, तो बट बच्चों जरूरी यहाँ y तो 0 नहीं था ना, आपका यहाँ पे b 0 है, उसकी वजह से y पूरा ही लीनियर इक्वेशन से वेरिएबल गायब हो गया। इसका मतलब क्या कर सकता हूँ मैं सर, मैं ग्राफ को ऐसा बना सकता हूँ। क्लियर हो गया? तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिखना चाहूँ इस ग्राफ पे, तो x तो 2 है बट y आपका 1 है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो 2, 2, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो बच्चों 2, 3, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखना चाहूँ तो बच्चों x तो 2 है आपका बट y -1 है, अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो 2, -2, और यहाँ पे लिखना चाहूँ तो बच्चों 2, -3। तो हमें पता चल रहा है कि x के इक्वल कुछ भी आता है बच्चों। देखिए जैसे x के इक्वल 2 आया तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, या इक्वेशन कैसी बनेगी, इक्वेशन और इक्वेशन कैसी होगी आपकी, पैरेलल टू y एक्सिस। क्या होगी बच्चों, पैरेलल टू y एक्सिस। इज इट क्लियर? सपोज करो यहीं पे आपका x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर नेगेटिव आती तो ग्राफ इधर से निकल जाता। कैसे? जैसे मान लो मैं ले लूँ x का वैल्यू ले लो बच्चों कितना, -3, तो देखिए -3 यहीं पे है x का वैल्यू -3 बच्चों, तो
इसलिए ग्राफ हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा और यहाँ से पास होएगा। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? ये जो लाइन है हमारी ये एक्स इज इक्वल टू टू की है और ये जो लाइन है हमारी किसकी है बच्चों? एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री की है। देख लो इधर, ये हमारा ग्राफ किसका है? एक्स इक्वल टू माइनस थ्री का। ये किसका है बच्चों? एक्स इज इक्वल टू टू का। अगर जैसे आप यहाँ पे कोई पॉइंट बनाना चाहे तो वो आएगा माइनस थ्री कोमा वन, यहाँ पे बनाना चाहे तो माइनस थ्री कोमा टू, और यहाँ पे बनाना चाहे तो बच्चों माइनस थ्री कोमा टू। देख लीजिए, सॉरी यहाँ थ्री है वाई का वैल्यू। अगर यहाँ बनाना चाहते तो माइनस थ्री कोमा माइनस थ्री, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेना चाहते तो माइनस थ्री कोमा माइनस टू। इज इट क्लियर बच्चों? तो ऐसे आप, अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना, अगर x के इक्वल टू कुछ भी आ रहा है, क्या आ रहा है x के इक्वल टू? कुछ भी आ रहा है, तो हमें उसको ग्राफ में कैसे लोकेट करना है? उसको टू लीनियर, देखो पहले तो हम उसे चेंज करेंगे टू वेरिएबल में। भले ही y जीरो है यहाँ पर वो जीरो किसकी वजह से हुआ था? सर b की वैल्यू की वजह से, ठीक है। तो मैं b को जीरो ही रख रहा हूँ, y की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो हमें ग्राफ ऐसा मिलेगा, क्योंकि x का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। ध्यान दो, x की वैल्यू टू ही लेनी है आपको। यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, इस लाइन पे सब जगह x की वैल्यू टू आएगी, बट y का वैल्यू चेंज होता जा रहा है। इसीलिए हमारा इक्वेशन कैसा आ रहा है बच्चों? y एक्सिस के पैरेलल किसका आ रहा है? x इक्वल टू टू का। x इक्वल टू थ्री लेंगे तो बच्चों वो यहाँ से पास हो जाएगा आपका। अगर आप x इक्वल टू फोर लेते हैं तो और आगे आ जाएगा। अगर आप x इक्वल टू वन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा। अगर आपने x इक्वल टू माइनस थ्री लिया, अब आप x इक्वल टू माइनस फोर लेना चाहते हैं तो ऐसा प्लॉट हो जाएगा, सीधी लाइन एकदम। अब आप x इक्वल टू माइनस टू लेना चाहते हैं, यहाँ से प्लॉट हो जाएगा। आप x की वैल्यू माइनस वन लेना चाहते हैं, ऐसे प्लॉट हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ? ऐसा अगर तुम्हें कोई ग्राफ दिखता है x के इक्वल कुछ भी वैल्यू, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए, वरना सिंपली अगर आपको पूछता कि सिंगल वेरिएबल में वैल्यू दे रखी है आपको x इक्वल टू टू, प्लॉट करो, तो वो तो हम ऐसे ही प्लॉट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे देखो, ये रहा जीरो, ये रहा वन, ये रहा टू, ठीक है। तो ये हो आपका x इक्वल टू टू, इसमें क्या दिक्कत है? बट आप इसको सिंगल वेरिएबल में तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपको डबल वेरिएबल में चेंज करके बोला जाए तो हमें उसे ऐसा रिप्रेजेंट करना होगा। और x के इक्वल कुछ भी गिवन है, पॉजिटिव नंबर गिवन है या नेगेटिव नंबर गिवन है, तो हमारा ग्राफ कहाँ से पास होगा? y एक्सिस के पैरेलल पास होगा। अब देखो बच्चों, y के इक्वल आए तो हम क्या करेंगे? इजी है, उसके ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल आ जाएंगे। देखिए कैसे, यस बच्चों, लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों देखो, अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए तो कि आप इसको प्लॉट करो y इज इक्वल टू थ्री को, तो हम देखो, अगर सिंपल आपको एक इक्वेशन दे रखा है नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हो इसको, बट अगर हम इसको टू में चेंज करके करना चाहते हैं, कैसे? सर x नहीं है तो एक को जीरो ले लो, बट x को साथ में ले लो तो पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस y के साथ वन ले लीजिए आप, ये टू हमारे वेरिएबल में इक्वेशन आपका चेंज हो गया है। अब देखो हम क्या करेंगे बच्चों, कार्टिजन प्लेन बनाएंगे ऐसे, देखो वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान दो, ग्राफ कैसा है हमारा? y इज इक्वल टू थ्री, इट मीन्स y इज इक्वल टू थ्री कहाँ पे होगा हमारा? सर ये रहा, थ्री को यहाँ बना दो साइड में, यही है। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बच्चों? x तो जीरो होगा यहाँ पे, और ये जीरो को हमारे थ्री आ जाएंगे, और ये आपका पॉइंट है थ्री, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे देखो, अगर मैं x का वैल्यू वन ले लूँ यहाँ पे, तो वो तो जीरो बन रहा है, बट ले तो सकता हूँ ना वन, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या देखो, पहले मेन कोऑर्डिनेट आया आपका यहाँ से जीरो कोमा थ्री आया, बट अगर मैं x की वैल्यू वन ले लूँ तब भी ये थ्री रहेगा, देख लो, क्योंकि वन लोगे तो ये जीरो हो गया, फिर y की वैल्यू थ्री आ गया। अगर आप x की वैल्यू टू लेंगे तो टू को जीरो से करेंगे तो वापस जीरो हो गया, तो टू तो रहा ना, x की वैल्यू टू, फिर भी थ्री आ रहा है सर y। अगर मैं यहाँ थ्री ले लेता हूँ, यहाँ थ्री ले लेता हूँ तब भी ये थ्री आएगा। अगर मैं x की वैल्यू माइनस वन ले लेता हूँ, देखो यहाँ माइनस वन को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे वापस जीरो हो जाएगा, बट y का वैल्यू जो थ्री मिलेगा। तो आप सर x का वैल्यू कुछ भी ले लो, y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि a जीरो हो रहा है हमारा, इसलिए पूरा a इंटू एक्स आपका जीरो हो गया।
इट मीन्स क्या हुआ सर, हमारा ग्राफ कैसा जाएगा, इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। देख लो यहाँ पे हो गया 0.3, अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट बनाना चाहते हैं तो वो हो गया 1.3, यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो वो हो गया 2.3, यहाँ पे एक पॉइंट बनाना चाहते हैं तो वो हो गया 3.3, और अगर इधर एक पॉइंट बनाना चाहते हैं आप तो वो कितना हो जाएगा आपका -1.3, यहाँ पे बनाएंगे -2.3, यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट करेंगे -3.3। इट मीन्स क्या हो रहा है, हमारा वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा और होगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि वाई का वैल्यू 3 था। बोले सर फिर आपने एक्स के वैल्यू कहाँ से ले लिए, अरे वो तो बी 0 था ना, एक्स की वैल्यू देखो आप 1 लो यहाँ पे, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे वापस 0 हो गया, इसके मतलब वाई की वैल्यू फिर से 3 आएगी। तो एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर वो 0 के साथ वापस खत्म हो जा रहा है, तो वाई की वैल्यू 3 रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सिंगल वेरिएबल को यहाँ 2 वेरिएबल में चेंज करके सोल्व कर लिया। तो ये आपका ग्राफ किसका आ रहा है बच्चों, वाई इज इक्वल टू 3 का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाई इज इक्वल टू -2 का ग्राफ प्लॉट करें, तो हमें ही बताया सर y इज इक्वल टू 3 अपवर्ड एक्सिस में आ रहा है पॉजिटिव में, अगर -2 बोला -1, -2, -3 y इक्वल टू -2, तो सर ग्राफ तो इसका कैसे आएगा हमारा x एक्सिस के पैरेलल। बच्चों x के इक्वल टू कुछ था अभी थोड़े पिछले ग्राफ में, तो वो y एक्सिस के पैरेलल आ रहे थे। अब हमारा x जैसे अब यहाँ पे दे रखा y इक्वल टू 3, इट मीन्स इसका ग्राफ किसके पैरेलल है हमारा x एक्सिस। देख लो ना, ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस, तो इसका ग्राफ कैसे है हमारा x एक्सिस के पैरेलल आया। इज इट क्लियर, तो ये सब नेगेटिव में था तो नीचे ले लिया, पर इसका ग्राफ भी कैसे आ रहा है y एक्सिस के, और 2 से जा रहा है तो y इज इक्वल टू -2 आ गया। देख लीजिए आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, x की वैल्यू 1 है y की -2 है, x की वैल्यू 2 है y की -2 है, x की वैल्यू 3 है y की -2 है। यहाँ ले लो x का वैल्यू -3 है y का 2 है, यहाँ ले लो -2 x का और y का 2 है, अगर यहाँ ले लो तो -1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ सर, हमारा y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा और होगा भी नहीं, ठीक है, इज इट क्लियर, तो हमारा वैल्यू y का चेंज नहीं होगा, ध्यान है। अगर आपसे पूछा जाता ग्राफ प्लॉट करो y इज इक्वल टू -4 का, तो ये रहा -3, ये रहा -4, तो हमारा ग्राफ ऐसे बन जाता, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू -4। अगर आपको बोला जाता y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ प्लॉट करो, तो बच्चों हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं +2। तो इजी है, इन द सेम वे वी कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, इज इट क्लियर बच्चों। देखो हम एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, दो ही क्वेश्चन गिवन है, इज इट क्लियर। देखिए तो वन वेरिएबल में तो हम सिंपली नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे, और अगर टू वेरिएबल पूछा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे कार्टेशियन प्लेन में बना देंगे, एक्स के इक्वल समथिंग है इट मींस ग्राफ विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई के इक्वल टू समथिंग है इट मींस ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर एक्सरसाइज दैट इज 4.4। तो बच्चों इसी के साथ चैप्टर की समरी हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट वीडियोज में 6 चैप्टर करेंगे, क्योंकि 5th चैप्टर आपके इस बार सिलेबस से रिमूव हो गया, बट आप उसको रीडिंग करके भी सॉल्व कर सकते हो, इट इज़ ए वेरी एक्सट्रीमली इजी चैप्टर। बच्चों देखो क्या कह रहे हैं, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या बोला, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोल रहा है आपका एज एन इक्वेशन, सिर्फ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, वही ग्राफ बनाना है हमें। तो देखो कह रहा है पहले तो वन वेरिएबल में, तो बच्चों ये वन वेरिएबल में तो ऑलरेडी है ना, तो मान लो कि मैंने ये y एक्सिस मान लिया, ऐसे सिंपली ऐसे होती है, पर आप इसको यहाँ डिनोट कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ आपका 0 होता है, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा आपका 3, तो ये है आपका y इज इक्वल टू 3, ये वन वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी जस्ट बताया आपको इक्वेशन, टू वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट होगा सर, x वाला नहीं है तो 0.x लिख लो, 1.y लिख लो, दैट इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों टू वेरिएबल में इसका रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ में कैसे करोगे, अभी जस्ट आपको बता के मैं फ्री हुआ ही हूँ, सेम इक्वेशन फिर भी बता देता हूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2, -1, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3। बच्चों अभी जस्ट बोला मैंने हमारे y इज इक्वल टू अगर समथिंग है तो उसके ग्राफ किसके पैरेलल आएंगे, x एक्सिस के, y का वैल्यू कितना है 3, तो हमारा ग्राफ ही आ जाएगा।
ये क्या होगा बच्चों, वाई इज इक्वल टू थ्री। चाहे तो आप इसमें कुछ पॉइंट लिख दो, जैसे यहाँ पे लिख दो 1.3, यहाँ लिख दो 2.3, यहाँ लिख दो 3.3, इधर भी लिख दो -3.3, -2.3, -1.3। इट मीन्स क्या होगा, हमारा वाई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो हो भी नहीं सकता। इज इट क्लियर बच्चों? अब हम इसमें एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेकेंड वाला। तो बच्चों देखो क्या कह रहे हैं, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना हमें 2x+9 दैट इज इक्वल टू 0 का एज एन इक्वेशन। तो बच्चों वन वेरिएबल में देना है, तो इसका मतलब देखो वन वेरिएबल में देना है और टू वेरिएबल में, तो ये तो वन वेरिएबल में है ना। सो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -9/2। इट मीन्स हमें x की वैल्यू अगर देखें डेसिमल में निकालें तो सर -4.5 आ रही है। इज इट क्लियर? इट मीन्स इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, -4 और -5 के बिटवीन आएगी। अगर हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो बच्चों ये मान लो आपका 0 है, 1 0 है, -1 -2 -3 -4 -5। वैल्यू कहाँ प्रेजेंट करनी है हमें, 4.5, तो हमारा 4 और 5 के बीच में आएगा। तो बच्चों ये हमारा वो पॉइंट है जिसको आप 9/2 बोल सकते हैं। ये हो गया आपका सिंगल वेरिएबल में प्रेजेंटेशन, सिंपली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब और बच्चों इसी को अब टू वेरिएबल में चेंज करना है, इसी ग्राफ को। तो बच्चों देखो यहाँ पे y प्रेजेंट नहीं है, तो y किसकी वजह से प्रेजेंट नहीं रहा होगा सर, x वो b की वजह से। तो मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ, 0.y+9 दैट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? और अगर उसको हम वन वेरिएबल में देखे थे तब उसकी वैल्यू आई थी सर, x की वैल्यू -9/2 आई थी, या जिसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ -4.5। बच्चों x के इक्वल कुछ भी है तो ग्राफ कैसा होगा हमारा, y एक्सिस के पैरेलल। तो आप हमारा कार्टेशियन प्लेन बना लो, बहुत इजी है। देखो अब हमें माइनस में तो वैल्यू उधर भी लिख लो, चलो 1, 2, 3, बट माइनस में देखो 5 तक लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। x के इक्वल कुछ भी है ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, 4.5 से, तो 4.5 यही होगा। तो x के इक्वल कुछ भी है ग्राफ हमारा y एक्सिस के पैरेलल आ गया। अब चाहो तो इस पर कुछ पॉइंट्स बता दो, जैसे अगर यही पॉइंट आपको बताना हो तो x एक्सिस पे y 0 होगा, बट x एक्सिस है हमारा यहाँ पे 9/2, 0 आएगा ये कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ कोई कोऑर्डिनेट लिखना हो, सपोज करो यहाँ पे, तो x का वैल्यू तो सर 9/2 है बट y का वैल्यू -5 है। सपोज करो यहाँ लिखना चाहते हैं, x का वैल्यू -9/2 है बट y का वैल्यू -3 है। अगर आपको जैसे सपोज करो 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना चाहते हैं, इट मीन्स x का वैल्यू तो -9/2 है और y का वैल्यू 5 है। अगर यहाँ पे आप पॉइंट पॉइंट लेना चाहते हैं 9/2, 2, इन द सेम वे यू कैन सोल्व स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन विद दिस नोट, वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो बच्चों डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, इन मैथ्स ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट और जीनियस और गुड स्टूडेंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, एल्स विदाउट प्रैक्टिस देर इज़ नो शॉर्टकट टू गुड स्टूडेंट इन मैथ्स। इन नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल सॉल्व आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। टिल देन बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।